क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक चीज देखी है, बतानी नहीं चाहिए यूट्यूब पे, क्या बोलूं यार, उसने माँ बहन कर ली यार पीसी की, मतलब यार 510 में i9 डाल के वो पीसी बना रहा है, परफॉर्मेंस उसको परफॉर्मेंस है कि तुम छोड़ो, उसको i5 जैसी परफॉर्मेंस नहीं मिली गया। 100 रुपए का बोर्ड एकदम ऐसे खुला, ये सब फाड़ू आइटम, ये सब डांसू आइटम, ये सोना है, इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट क्वालिटी कोई नहीं है, ऐसा बोलते तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कंपनियों की यार बहुत बार, 2-3 बार प्रॉब्लम हो गई है। एक बार वीडियो लो वायरल हुआ था, फोन क्या सर ये वो, आप ऐसा मत करो। अगर आप एडिटर हो ना, एडिटर तो आपको इसमें भी जाने का नहीं है, एडिटिंग के लिए अलग सीरीज आती है। जैसे कि आप लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, हम तो बिजनेसमैन है, कमाने के लिए मिट्टी भी बेच सकते हैं। आपको मालूम है जेब्रोनिक, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, क्यू डूबी, इंटर, बहुत सारी कंपनियां, डूबी मतलब वो लेवल पे नहीं पहुंच पाए, एक यूनिकॉर्न नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई मालूम है? इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर उसकी माँ बहन एक कर लेते, इसमें बग ढूंढ लेते। अरे भाई मैंने शुरुआत की ना, क्यों बग ढूंढ रहे हो? मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना, साइड अगर चल के तो मेरे भी बग ढूंढ ले, इसने ये बोला उसने ये बोला। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो आपने जो पिछली वीडियो देखी थी, हमने बाइंग गाइड के ऊपर बनाई थी, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया उसको, प्रोसेसर बाइंग गाइड, जीपीयू बाइंग गाइड, पीसी बिल्डिंग बाइंग गाइड, ठीक है? तो उसमें बहुत ही लोगों के कमेंट आए कि भाई छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है, जैसे मदरबोर्ड भी है यार, इसको आपने छोड़ दे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है, अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो ना, इसी के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स है ना, वो सभी इसी के अंदर जाने हैं, मतलब इसी के अंदर से वो कनेक्ट होने हैं, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एक पीसी बिल्ड कराते टाइम या मदरबोर्ड चूज करते टाइम, तो उन चीजों के ऊपर बात करेंगे, और आपके बजट के हिसाब से कौन सा मदरबोर्ड सेट रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको किस तरीके से एक बेस्ट मदरबोर्ड चूज करना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो ओवरऑल वीडियो मस्त है यार, इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। तो अभी मेरे साथ में ओम भाई, ओम भाई कैसे हो आप? कैसे हो दीपक भाई? बहुत बढ़िया ओम भाई। आपको सर एक्सपीरियंस कितना है मतलब इस फील्ड में? देखो मेरे को यहाँ पे 9 इयर्स हो गया है। okay. मैं जब पढ़ता था ना 8 क्लास से, तब से आना स्टार्ट किया था, फिर मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने 10 क्लास फेलियर हूँ ऐसे समझ लो, क्योंकि मुझे सीखने का कुछ अलग था। जैसे हैकर बनना था, बहुत ड्रीम थी, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, बहुत प्रॉब्लम हुई, बाद में हमारा ये फैमिली बिजनेस है तो इस बिजनेस में हम लोग आ गए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मदरबोर्ड के बारे में। देखो मैं बताता हूँ, हाँ। लोग क्या करते हैं, मैंने एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल का नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा चैनल है जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है? उस बंदे ने 510 बोर्ड लिया है, ठीक है, साले ने i9 इसके अंदर प्रोसेसर डाला है अपना 10th generation का K-series का, ओके, और नॉर्मल रैम डाली है, साधा SSD डाली है, 1050 Ti डाला, और बोल रहा है कि मैंने 1 लाख के अंदर फुल पीसी बिल्ड किया। क्या बोलू यार, उसने माँ बहन कर ली यार पीसी की, मतलब यार 510 में i9 डाल के वो पीसी बना रहा है, परफॉर्मेंस कि तुम छोड़ो, उसको i5 जैसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और कूलर क्या डाला मालूम है? 150 रुपए वाला इंटेल का जो कूलर आता है ना, वो डाला। एक्चुअली एक चीज मैं बीच में बता देता हूँ, क्या होता है मालूम है? आप सीपीयू लेते हैं i9, उसके ऊपर आप है ना अगर कूलर नॉर्मल डालते हो तब भी इश्यू क्यों होता है? देखो वो भी एक प्रकार का हमारा जो पहले बड़ा सिस्टम था, फिर छोटा बना, तो वो छोटा नहीं बना, वो जो इसके में टूल्स होते हैं, टूल्स, कैपेसिटर, जैसे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, 5 करोड़ उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है? तो आप हमारे बाल के 1000वें भाग के अंदर छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि मैं अपनी लैंग्वेज में 0011, तो इसमें क्या है 0011 है, तो आप उसको बोलोगे कि ऐसे बोलना, मतलब ऐसे बोलता हूँ, एक एक चीज हर किसी के ऊपर निर्भर है, ऐसे वीडियो बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में ही बताता हूँ, कैसे समझाऊँ मैं आपको यार, जैसे कि वो भी एक प्रकार का हार्डवेयर ही है छोटा, हाँ, उसके अंदर लाइट दौड़ती है, यस, और अगर वो ज्यादा उसमें लाइट दौड़ेगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी और उसको कूलिंग सिस्टम उसके ऊपर इतना अच्छा नहीं रहेगा ना, तो वो धीरे धीरे वो उस जैसे पहले परफॉर्मेंस देती ना वैसे नहीं देगी। तो पहले आपने लिया था एक मिनट जो फाइल रेंडरिंग है वो 1 मिनट में हो जाती थी, okay. अभी बोलो भाई मेरे को 10 मिनट है, अरे थोड़ी क्या बोलू, तूने माँ बहन एक कर ली है सीपीयू की, फिर होगा ना? आप पीसी बनाओ ना, तो आपको क्या कंपोनेंट चाहिए, मेरी बात मत सुनो भाई। यूट्यूब पे देखो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े बड़े, इंडिया से ज्यादा फॉरेनर है, वो लोग अपने को एक एक चीज बताते हैं, हम लोग तो क्या पैसा देके काम करते हैं, मेरे को कुछ करना है भाई, पैसा ले मेरा दुकान अच्छा कर दे, प्रमोट कर दे, वो नहीं करने का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ यही है, हर जगह मैंने देखा है पैसा देके काम कर रहा हूँ। मैं वैसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो यूट्यूबर डायरेक्टली बनाओ, मैंने किसी के साथ स्कैम किया, कुछ गलत किया तो मेरे बारे में गलत बोलो, किसी और ने किया तो उसके साथ गलत बोलो, वो होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं कहा, ठीक है? तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोसेसर के हिसाब से आपने i9 ले लिया, ये मदरबोर्ड लगा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड की सीरीज बता देता हूँ, जैसे कि अभी 12th generation चल रहा है, ये अपना बी सीरीज का,
और ये अपना जेड सीरीज का, ठीक है। तो तीन सीरीज होती है इसमें। हाँ, एएमडी में भी होती है, इसमें भी होती है। सबसे पहले इंटेल की बात करते हैं, ठीक है। आप टेली यूज कर रहे हो, नॉर्मल ऑफिस वर्क काम कर रहे हो और बेसिक लेवल का काम कर रहे हो, और i3 और i5 में बोलते हो, i7 i9 नहीं, ओके, वो भी 12 जनरेशन का। सब जनरेशन में यही सीरीज होता है, खाली HB ये। तो अगर आप बेसिक काम कर रहे हो तो 610 लो, हैच सीरीज, H610, H510, H310, उसमें आप i3 डाल सकते हो और i5 भी डाल सकते हो, अगर आपका वो लेवल का काम नहीं है। अगर आपका एडिटिंग का काम है, ज्यादा एडिटिंग करोगे और अपना बजट भी कम है, तो ये वाले लो। इसमें क्या है मालूम है, 100% पे ओवरक्लॉक होता ही नहीं। मतलब अगर आप के सीरीज का i9 का सीपीयू ले लिया, जैसे कि i5 का के सीरीज का सीपीयू लिया है, उसमें आपने H61 डाल दिया है, तो उससे क्या रहेगा मालूम है, आपको डिस्प्ले मिलेगा, बट वो जैसे कि 5.1 GHz है ना, तो वो 4.4 GHz ही काम करेगा, और ज्यादा प्रेशर आएगा तो सीपीयू अपना हीट रहेगा, क्योंकि इसकी VRM इतनी अच्छी नहीं होती है। ये कैपेसिटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसमें इससे डबल है, उसके बाद इसके ऊपर हीट, उसके बाद इसमें ये मतलब बढ़ता रहेगा। तो ये नॉर्मल बोर्ड होती है सीरीज, उसके बाद आता है जो कि i3 वगैरह में यूज किया जाता है। हां, i3 एंड i5 में तो मैं मना ही बोलता हूँ, बट देखो मेरे जैसे बंदे का बजट नहीं है तो उसको काम चलाना ही पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं भाई बी सीरीज के बारे में। B550, B650, B450, BG670, BZ70, मतलब अलग अलग ऐसे वेरिएंट रहते हैं। तो उसमें क्या होता है वो मैं बताता हूँ। बी सीरीज में क्या है, जैसे कि आपने एफ सीरीज का कोई भी सीपीयू लो, एफ सीरीज के लिए बनाए, जैसे ओवरक्लॉक नहीं करते, एफ सीरीज का कोई भी ले सकते हो सीपीयू, उसके लिए अच्छा है बी सीरीज, यानी क्यों आप ओवरक्लॉक करोगे नहीं तो मतलब ही नहीं। अगर आप के सीरीज का सीपीयू लेते हो, जैसे कि 100% पे रन करते हो, तो उसके लिए बोर्ड बना नहीं है, मगर आप इसके अंदर के सीरीज का सीपीयू डाल के 80% तक वो परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, 80-90, मतलब आप ओवरक्लॉक नहीं करते हो, आप के सीरीज का सीपीयू लो तो भी आपके लिए सही है। अगर आप बोलोगे कि यार मैं, आप एक गेमर हो, स्ट्रीमर हो, तो आपको ओवरक्लॉक होता ही है, वो बेस स्पीड जाएगा, तो इस पे जो बेस है वो पूर, जैसे कि उसकी स्पीड है 5.4 GHz, तो इसमें जाएगी, बट 100% पे वो रन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, क्योंकि देखो इसमें क्या, ये आपको दिख रहा है ना, लोग इसको इंटेल ग्राफिक नहीं है, इसका खुद का चिपचेस है, जैसे कि है सीरीज का है, बी सीरीज का है, और जेड सीरीज के ऊपर और ज्यादा हीटिंग दिया हुआ है, रहती है, क्योंकि ये ओवरक्लॉक होता है ना, तो वो भी काम करता है ज्यादा। उसके बाद आता है बी, अपना जेड सीरीज में आप एफ सीरीज भी यूज कर सकते हो, के भी कर सकते हो, के एफ भी कर सकते हो। जेड सीरीज में क्या होता है मालूम है, आप अगर 100% पे सीपीयू यूज करोगे, 5.4 GHz, तो 5.4 GHz तक भी यूज करोगे ना, तो सही रहेगा, इसकी VRM भी अच्छी है, और जो एडिटर रेंडर है ना, एडिटर बड़े बड़े, उनको ये करना चाहिए, ये भी यूज कर सकते हो, बट मैं अगर बजट है तो इसमें जाओ। अगर 80 अगर ओवरक्लॉक नहीं करो तो आप बी सीरीज और हैच सीरीज में भी जाओ, हैच सीरीज भी आता है, H670 उस पे भी आप जा सकते। तो अभी मेरे को आप ये बताइए, जैसे जनरेशन है मतलब इंटेल की, अभी नई नई जनरेशन आ रही है, तो अगर 13 जनरेशन या 12 जनरेशन के लिए अगर कोई मदरबोर्ड ले रहा है तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसे? देखो मैं 12 जनरेशन में के सीरीज का मदरबोर्ड लोगे, तो अगर आप के सीरीज का कोई भी लोगे ना, Z790 सजेस्ट करूंगा, उसके बाद B760 सजेस्ट करूंगा, जो अभी आया नहीं, आ जाएगा इंडिया में, उसके बाद H670 भी आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि i3 वो लेके नहीं आ रहा है, 13 जनरेशन में i3 लॉन्च नहीं होगा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि उस जो ये है ना एफिशिएंसी कोर के ऊपर, वो अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें समझा दूंगा, ठीक है, वो प्रोसेसर वाले वीडियो में बताएगा आपको। जब भी मदरबोर्ड आप सिलेक्ट करो ना, तो सबसे पहले आप अपना प्रोसेसर देखो, प्रोसेसर के हिसाब से ही आपका मदरबोर्ड सिलेक्ट होगा। यस, अभी मैं इंटेल का बता दिया, एएमडी के अंदर फटाफट से, जैसे कि इंटेल में मैंने बोला ना ए सीरीज है, तो एएमडी में भी ए सीरीज है, जो नॉर्मल आप Ryzen 3 एथलॉन या Ryzen 5 में भी, जो विदाउट एक्स वाले सीरीज है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांड मैं बता दूंगा सबसे बेस्ट क्या, पूरा वीडियो देखने समझ में आए। उसके अलावा बी सीरीज, इसमें बी सीरीज आता है, उसमें भी बी है, बी बोले तो जो विदाउट एक्स वाले कोई भी सीपीयू आप इस पे यूज कर सकते हो, और एक्स वाले भी यूज करो तो वो आपको 100% पे इस पे परफॉर्मेंस नहीं मिलती, नहीं मिलेगा, मतलब 100%, जैसे कि मैं बताता हूँ, अपना राइजन आ गया, अपना 7700X, 7900X, तो उसके लिए एक्स सीरीज का बोर्ड लेना चाहिए, X670, X590, X470, एक्स सीरीज में, इसमें भी वही है, सेम हीटिंग एंड एवरीथिंग, आप इस पे 100% पे, वही मतलब सेम का सेम है, बस नाम चेंज हो गया, नाम चेंज है, मतलब नॉर्मल आप एथलॉन या राइजन 3 तक A320 जा सकते हो, उसके बाद विदाउट आप एक्स, जिसके पीछे एक्स नहीं लगता है, उसमें बी सीरीज यूज कर सकते हो, ठीक है, और फिर एडिटर आप हो, एडिटर नहीं हो, नॉर्मल हो, और आप ओवरक्लॉक नहीं करो, तो भी इस पे एक्स सीरीज चला सकते हो। उसके नीचे आते X670, उस पर आप एक्स सीरीज नॉर्मल दोनों चल सकते हो, मैं बजट है तो आपको एक्स सीरीज का सिलेक्ट करता हूँ, इंटेल में जेड सीरीज। उसके अलावा बात करते हैं ब्रांड की, सबसे घटिया ब्रांड है मेरे हिसाब से गैलेक्स के कार्ड बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट, कैबिनेट में भी कुछ कुछ मॉडल बहुत अच्छे आते हैं, बीच में SSD चालू किया था बंद कर लिया, रैम चालू किया था बंद कर लिया, उनको मालूम है मतलब नहीं है, बोर्ड चालू किया था एक्चुअली, आप क्या पैकिंग देखो इसकी, चलो पैकिंग क्या है,
मैं आपको बताता हूँ, ये ओपन पीस मेरे पास एक आधा रहेगा, है नहीं, मैं खुद भी बेचता हूँ भाई, क्या कि किसी को कचरा खाना है ना तो उसको कचरा ही खिलाना पड़ता है। ठीक है, ये जैसे बोर्ड है, okay. इस बोर्ड में इतनी भेजा, एक तो इसकी पैकिंग देख लो, उसके अलावा क्या है, इसके बायोस, इसकी सर्विस, नो डाउट गैलेक्सी अच्छा है, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हुआ तो किधर जाना है, सर्विस सेंटर में आपको मेरे खुद के भी 7-7 डेज लगते हैं, मतलब वारंटी प्रॉब्लम है सर्विस, और इन लोगों ने, इन लोगों को खुद को, परफॉर्मेंस तो वैसे सही है ना, नहीं इतना जितना हम बोलते, देखो कि मैं ब्रांड के बारे में एक दो बार बोला था तो यार मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो आप कुछ समझ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इस पर समझ जाओ, ठीक है। गैलेक्सी ने खुद ने भी ये बोर्ड ऑलमोस्ट बंद कर लिया इंडिया में, उसको समझ में आ गया कि मतलब नहीं है, लो क्वालिटी में लाके सस्ता लाके नहीं बिकता, इंडिया में भी लोगों को आइडिया है कि किस चीज में क्या है और किस चीज में नहीं, तो इसने खुद ने भी बंद किया, जो अभी जो मार्केट में माल है वो बिकेगा, उसके बाद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये लोग कुछ चेंज करके लेके आएंगे। ओके, उसके अलावा बात करते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट मदरबोर्ड की बात करें तो मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे बेस्ट है रॉक सीरीज में आरओजी, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, और ये गेमिंग कम्युनिटी और गेमिंग के लिए बनाया है, एडिटर हो तो आरओजी भी सही ने, ASUS के अंदर भी प्रो आर्ट करके एक सीरीज आता है, ओके मेरी फेवरेट है, अगर आप एक एडिटर हो तो प्रो आर्ट को छोड़ के कोई भी मदरबोर्ड ना लो, चाहे आपको बोले कि ROG लो, मैं सजेस्ट नहीं करता, प्रो आर्ट लो, इज अ बेस्ट, दोनों को कंपेयर करोगे ना, देखो हर एक चीज का अलग अलग वर्क है, लोग क्या है कि ROG के अंदर ये डाल के आप इसमें एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं, बट जो प्रो आर्ट में आपको क्वालिटी मिलेगी ना इसपे नहीं मिलेगी, और जो प्रो आर्ट में अगर आप गेमिंग करोगे ना तो वो इसमें मिलेगी, मतलब सबका काम अलग है, सबसे पहले ये MSI में आप टॉमहॉक देख लो, MSI में एक प्रॉब्लम है, नो डाउट MSI ब्रांड इज अ वेरी गुड, बट मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा अभी लोग वो सुधार रहे, बट मैंने खुद में भी 2-3 बार वीडियो डाला और लोगों उसको भी समझ में आया, एक तो वो सील लेके आ रहे हैं, ओके सील आ जाएगी इंडिया में, मेरे को मैं MSI वाले से बात किया, बोल सर अभी आ जाएगी, ठीक पहले हम वर्ल्ड वाइज बनाते नहीं थे बट अभी हम कर रहे हैं, उसके अलावा वारंटी का इनका बहुत इशू था तो अभी इन लोगों ने पूरी टीम बनाई और अभी वो वारंटी पे भी फोकस कर रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ रॉक्स, इसकी वारंटी है नो डाउट, गीगाबाइट की भी वारंटी बहुत अच्छी है, मैं कम बेचता हूँ गीगाबाइट बट नो डाउट गीगाबाइट आल्सो बेटर, बट नंबर वन है ASUS, गीगाबाइट, MSI, फिर आप आते हैं ASRock, तो भाई ASRock का वो बोर्ड पड़ा है, स्टील लेजेंड सीरीज बहुत अच्छी है, मगर जब प्रॉब्लम होती है ना तो आप सर्विस सेंटर में जाते हो ना, मेरे पास 10 बार हुआ सर्विस सेंटर में गया भाई, कस्टमर का बोर्ड था चले क्या कुछ रिपेयर किया, रिपेयर हो वापस 10 बार होता है, फिर कस्टमर खराब हो जाता है, फिर हम पे गुस्सा होता है, हम लोग क्या कर सकते, कहने का मतलब है कि हम उनको बोलते हैं सर मत लो बट लेते हैं। तो भाई अगर बात करें हम यहाँ पे, अगर कोई अभी मदरबोर्ड ले रहा है तो उसको इस टाइम के हिसाब से, आपकी प्रोसेसर के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से, तो उस बोर्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब वो क्या क्या देख के देखो, तो ब्रो क्या है, अगर आप मदरबोर्ड लो ना तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, सबसे पहले वो DDR अपना 4 होना ही चाहिए, और बजट हो तो DDR5, हाँ 10,000 के नीचे बजट हो तो DDR3 में जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता, DDR3 का टाइम चला गया है क्योंकि वो 2015 से पहले की टेक्नोलॉजी थी, अभी उसमें जाना ही नहीं चाहिए। बात करते हैं बोर्ड के अंदर अगर फ्यूचर, तो आप है ना i3 वाला कोई भी बोर्ड लेते हो ना, कम से कम एक M.2 स्लॉट या 2 M.2 स्लॉट NVMe वाले होने चाहिए, PCI का एक स्लॉट कंपलसरी होना ही चाहिए जो आप, और एक नॉर्मल PCIe वाला जो छोटा वाला स्लॉट जैसे ब्लूटूथ वाईफाई कुछ भी डालो तो, और उसके अलावा RGB होना चाहिए, अगर RGB वाला अगर कैबिनेट लो तो उसके अलावा उसकी VRM अच्छी होनी चाहिए, HDMI DVI USB 3.0 2.0 LAN 4 7.1 साउंड ऑलमोस्ट सब कुछ होना ही चाहिए, ये होना चाहिए उस पे लिए। अगर बात करते ऊपर चलते हैं, अगर आप i5 का बोर्ड लेते हो ना ब्रो, तो हमेशा 2-3 चीजों का ध्यान रखो, सबसे पहले B और X सीरीज का होना चाहिए, H सीरीज और A सीरीज का बोर्ड ना लेना है, हमेशा ध्यान रखना है, और उसमें अगर बात करते हैं पोर्ट की, तो भी जैसे कि B650, B450, B550, B6 4M स्लॉट होने चाहिए, 2 M.2 NVMe के स्लॉट, एक नहीं 2, क्योंकि आने वाला टाइम SSD और M.2 का होगा, उसकी प्राइस भी कम होगी तो ऑलमोस्ट सब उसमें ही जा रहे हैं, PCI के 2 स्लॉट होने चाहिए, उसकी VRM के ऊपर कैपेसिटर होने ही चाहिए, और उसके अलावा नॉर्मल सारे HDMI वो सब आपको मालूम है, और बात करते हैं i7 और X सीरीज बोर्ड की, तो Z690 में जा सकते हो, और X670 उसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको 4-4 SSD स्लॉट मिल जाते हैं, 4 PCIe स्लॉट मिल जाते हैं, सब कुछ है, और एक चीज का ध्यान रखो, जब ये बोर्ड लो ना, ये कैपेसिटर बोलो VRM, इसके ऊपर हीटसिंक, अगर आपका बजट अच्छा है 1 लाख का PC बिल करो ना,
तो उसके ऊपर कम से कम उसके ऊपर हेडसेट होना चाहिए और इसके ऊपर एक पोर्ट्स होता है। मालूम है मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, तो उसके अंदर 8 पिन का पोर्ट या 8+8 या 8+4 का होना ही चाहिए। वो नहीं लोगे मतलब नहीं, 4 एम स्लॉट होने चाहिए और जो मेगा से 3200 से लेके 5000 मेगा की कोई भी रैम बैठनी चाहिए वो लेना ही है। हो सके तो गीगा लैन होता है ना वो भी होना चाहिए जो गेमर के लिए सही है, गेमर के लिए सही है। वो तो वाईफाई वगैरह इनेबल है वो आप देख लेना, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो चीजें होगी अभी के हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अगर ओम भाई हमें यहाँ पे बात करें, आपको मार्केट का काफी अच्छा सारा एक्सपीरियंस है, मतलब काफी दिनों से आप इस फील्ड में हो तो आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप बता सकते हो जैसे दूसरे कंपोनेंट्स में भी दूसरों मतलब कस्टमर को घुमा दिया जाता है, वो हो दिया जाता है, इसमें भी कुछ फ्रॉड वगैरह स्कैम से सबसे ज्यादा होता है। आप लोग है ना हमारे जैसे शॉपकीपर पे भरोसा ही मत करो, ठीक है? अगर भरोसा करना है उसकी रेटिंग चेक करो, मैंने किसके साथ कितना गलत किया है। मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे गूगल पे उस बंदे ने रिव्यू डाला ही होगा, वो देखा उसके ऊपर से आप अंदाजा लगाओ। एक चीज याद रखो, कहीं से आप कोई भी आइटम लो ना, गो फॉर गूगल। गूगल पे भी पे वाले जो रिव्यूज है ना, नहीं गेमिंग कम्युनिटी में जाके बोलो कि भाई ये बोर्ड है मैं लेना चाहिए नहीं चाहिए इसकी बारे में। सबसे पहले देखो जो आप आइटम ले रहे हो उसका सर्विस कैसा है। नो डाउट जैसे कि कुछ ब्रांड है MSI है, इज नो डाउट बेस्ट ब्रांड, बट इसकी वारंटी मेरे को अच्छी नहीं लगती है। बट अभी ये लोग भी सुधार रहे क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अपना कस्टमर बेस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कंपनियों की यार बहुत बार 2-3 बार प्रॉब्लम हो गई है। एक बार वीडियो लो वायरल हुआ था, फोन क्या सर ये वो, आप ऐसा मत करो भाई, बहुत प्रॉब्लम मतलब यार सच बोल रहा हूं मैं जो है अपने मेरे घर का क्या जा रहा है यार मेरे को है ना, मतलब मेरा क्या सोचे मालूम है, भगवान की कृपा से मैं बोला अच्छे कस्टमर सब कुछ है मेरे को ना नाम कमा रहा है, मतलब लोग भरोसा करे, भरोसा जीतना है। मैं लोग क्या करते हैं मालूम है, अगर आप पीसी बिल कर रहे हो कहीं से भी देखो ना कोटेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले कैबिनेट का प्राइस जैसे कि 3000 है 5000 डालते हैं, आप उधर फोकस डालते नहीं। मदरबोर्ड का प्राइस 5000 है ना वो आपको 4000 ही डालेगा, अंडर कॉस्ट डालेगा। फिर सीपीयू का प्राइस 10000 है ना वो डालेगा 8000, फिर रैम का प्राइस 2000 है डालेगा चाहे इधर का प्राइस उधर, इधर का इधर, सबसे ज्यादा दिल्ली में होता है कॉम्पोनेंट्स को मतलब बहुत ज्यादा है। आप कुछ मत बोलो, आप बोलो मैं ये आइटम लेके आया हूँ इसका प्राइस टोटल नीचे ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस क्या होता है, टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के बता इसका प्राइस क्या है, जिधर से कम होना भाई उधर से ले लो, जो वही चेंज नहीं जो आपको सस्ता दे वहां से ले लो। सस्ते के चक्कर में ये नहीं मैंने डाला जैसे कि आसुस का बोर्ड, आप और कोई जगह पे गए सर आसुस नॉट गुड गो फॉर गैलेक्सी इसका, इससे बस वो कम का बोर्ड होगा ना, बोले सर इससे 200 रुपए अच्छा है, इससे और अच्छा है, पेपर पे बैठेगा, इसकी स्पीड ये यही आपको दूसरे दुकान में एक बार और चेक करो ये प्राइस क्या है ले लो बस खत्म। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, हमारा एसपी रोड है ऑलमोस्ट 1000 दुकान, यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा मार्केट ही मार्केट ही है, यहाँ से चालू होता है कस्टमर। मैंने जैसे कि 10000 डाला, किसी ने 10500 डाला, किसी ने 9000 डाला, और कब लगे इधर से चालू होता है। i7 लेते हैं ना पीछे जाते जाते है ना वो Ryzen 7 लेके चला जाता है, उसकी भी गलती है ना। दो दुकान चेक करो, रिव्यू चेक करो, कहीं पे जिधर कम मिले लेके खत्म करो ना, तो ये आप मेन हो जाता है। अगर आप कुछ भी लेने आ रहे हो ना अपना पीसी बिल्ड कर, बात करें ब्रांड आपकी कोटेशन है और अपना कला है वही लेके जाओ, और करें ब्रांड की बात, सबसे मैं बेस्ट ब्रांड आपको सजेस्ट करता हूँ, 3 ब्रांड मैं सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आसूस, MSI एंड गीगाबाइट। आसूस के अंदर रॉग में जाओ, ओके गेमर हो तो, अगर आप एडिटर हो ना एडिटर तो आपको इसमें भी जाने का नहीं है, एडिटिंग के लिए अलग सीरीज आती है जैसे कि आसूस प्रो 1 एडिटिंग के लिए नंबर 1 है, उससे बेस्ट बोर्ड कोई नहीं है, वो पर्टिकुलर एडिटर और VFX वालों के लिए बने हैं, बट लोगों को आइडिया नहीं है। गेमिंग के लिए तो ROG और टॉप में जाओ, ROG मतलब पर्टिकुलर गेमर के लिए बने हुए इसके बीच वाली सीरीज मालूम, मतलब दोनों में ऐसे दोनों में हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जैसे जो चीज जिसके लिए बनी है ना वो लोग आपके लिए सही रहता है। मैं ले लेता हूँ प्राइम बोर्ड, ये लेता हूँ, ऐसे तो सब में सब चलता है, बट जो आपको वो फीलिंग आएगी ना, मतलब बोले ना कि जो BMW था एक बार मर्सिडीज चलाओ एक बार IS जो चीज जिसके लिए बनाई ना वो यूज करके देखो एकदम अलग ही है। मैं रोज है ना एक्टिवा लेके जाता हूँ घर पे, 1 किलोमीटर मेरा घर, यहाँ से एक्टिवा भी जा सकता, मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कोई BMW का बाइक लेके जाएगा उसको भी है, कोई रेंज रोंजर की गाय क्या बोलती है महंगी कार आती भाई, मेरे को तो नाम भी नहीं, उसमें बैठ के घर पे जाएगा ना तो एक अलग फीलिंग है। सब में सब काम होता है, कहने का मतलब 5000 के सिस्टम में भी नॉर्मल काम होता है और 1 लाख के सिस्टम में भी काम होता है, वो चेंज हो जाएगा आपका ब्रांड बजट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है, और ब्रांड की बात करें आसूस में ROG अच्छा है, MSI में टॉमोक अच्छा है, और गीगाबाइट में
अपना ओरो सीरीज में भी प्रो वाली सीरीज अच्छी है, इलाइट मैं सजेस्ट नहीं करता बट आप ले सकते हो, नो डाउट बजट के हिसाब से वो सही है। MSI के अंदर भी टॉम हो उससे नीचे आते, इसमें अगर आप टफ में जाओगे तो MSI में मोटार में, मोटार सीरीज में जा सकते हो, और अपना गीगावेट में इलाइट, उससे नीचे इसमें प्राइम है उसमें नॉर्मल है, उसमें भी नॉर्मल है। और एक और बात बोलूँ, सारे ब्रांड का ऑलमोस्ट प्राइस सेम है, तो आप खुद डिसाइड करो आपको कौन सा लेना, आपके वहाँ पे सबसे अच्छी सर्विस क्या है, और आपने वो ब्रांड परचेज किया तो आपके साथ उसका एक्सपीरियंस क्या रहा। ये मेन है भाई, अगर आप ले रहे हो ना पहले उसको देख लो, प्राइस तो देख लिया आपने, पर उसके बाद में लेने के बाद में आप 3-4 साल आप, और भाई कभी ऐसा मत करना कैसी है बजट का, मैं ना हाईएंड पीसी बनाओ ना, बजट कभी मत देखना, बजट देखो तो उसके हिसाब से हर एक चीज। बट मैं एक सजेशन देता हूँ, सबसे प्लस पॉइंट होता है जीप अपना CPU, उसके बाद होता है GPU, उसके बाद आता है बोर्ड, उसके बाद सारे कंपोनेंट आते हैं, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ये चीज चेंज नहीं कर सकते हो, वो चीज पे हमेशा फोकस करो, एक्सपेंसिव होती है। हाँ, और उसके अलावा अगर के सीरीज का CPU लो ना, हो सके तो जेड सीरीज में ही जाओ, है सीरीज का बोर्ड भूल से भी ना लेना, और राइजन फाइल हो ना तो A320 कभी भूल से भी ना लेना। हाँ बजट कम है मेरी तरह तो आप कुछ भी ले सकते हो, चलाने को तो साइकिल पे बैठ के भी घर में जा सकते हैं, हमेशा बोर्ड लो ना, तो सर्विस इम्पोर्टेंट है, आपके एरिया में सबसे सर्विस अच्छी कौन है और आपके एरिया में सर्विस सेंटर कौन सा है, उस ब्रांड पे फोकस करो और रेटिंग चेक करके ही करो, हम लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, हम तो बिजनेसमैन है, कमाने के लिए मिट्टी भी बेच सकते हैं। सर गीगाबाइट अच्छा नहीं, आप गैलेक्सी ले लो ये अच्छा है, आसूस अच्छा नहीं ये ले लो, क्योंकि मेरे को तो पैसे कमाने हैं यार, दुकान चलानी है, लोगों को सैलरी देना है, मैं तो मेरा प्रॉफिट देखूंगा, बट डोंट ट्रस्ट मी, आप ट्रस्ट गूगल, बड़े बड़े जो गेमर है उनके ऊपर। और गेमर को एक चीज, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, इंडिया में भाई क्या हो रहा है मालूम है, बड़े बड़े यूट्यूबर है जिनको ए से बी नहीं आती, ठीक है, जैसे कि मैंने ये ब्रांड मेरे नाम की बना ली है, गैलेक्सी है ना मेरा नाम, ओम के नाम पे मैंने चाइना से एक ब्रांड लेके आया, ठीक है, मेरे को इसको यहाँ पे बेचना, क्या करूंगा मालूम है, मैं बड़े यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप करके दे दूंगा, उनको फ्री मिल जाएगा, वो लोग बोले इज द बेस्ट बोर्ड, मेरे जैसे उन यूट्यूबर के सब्सक्राइबर है अच्छे, तो यार भाई ने बोला तो मैं ले लूंगा बाद में मेरे साथ स्कैम होगा, बहुत गलत है, चले ये गलत है। आप कोई भी आइटम लो ना, आपने एक चीज नोटिस की है, बड़े बड़े यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप मिलती है, किसी को कोई कंपनी देती है, किसी को कोई देती है, 100 रुपए का बोर्ड एकदम ऐसे बोला, इज अ फाड़ू आइटम, इज अ डासू आइटम, ये सोना है, इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट क्वालिटी कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं, और उसको ऐसा प्रेजेंट कर, मतलब ऐसा आपके सामने लेके ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो यही सब कुछ है। हाँ मतलब उस टाइप से उसको बताएंगे, और उस पर भरोसा ही नहीं करना है, रेटिंग चेक करो, क्वालिटी चेक करो, उसके बाद लो, उसने लिया तो मैं भी ले लूँ, अरे भाई उसको 30% 40% कम में दिया स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो आप ले लोगे क्या, नहीं लेने का है, सबसे अच्छी ब्रांड है क्या है भाई। मैं एक मेरा एक एक चीज में आपको, अगर कभी कॉम्प्रोमाइज करो ना, मैं दिल से बोलता हूँ, चाहिए गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, मेड इन इंडिया की आइटम जरूर परचेज करो, क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक चीज देखी है, बतानी नहीं चाहिए यूट्यूब पे, मैं एक चीज बताता हूँ, अपना फ्लिपकार्ट अमेजोन है बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ओके, तो क्या होता था पहले, मेरी कंप्यूटर की दुकान थी, आपकी कपड़े की दुकान है, और मेरे जो भाई है जो देखे किसी की और किसी की दुकान है, तो पहले किसी को कंप्यूटर चाहता था यहाँ पे आता था, आप भी यहाँ पे आता, मेरे को कपड़े चाहता मैं भी यहाँ पर, तो जो पैसा था वो रोटेशन के थ्रू घूमता रहता, इंडिया में ही रहता था, तो उससे क्या है कि रोजगारी मिलती थी, मतलब उस टाइप का हो रहा था, अभी क्या 4-5 लोगों के पास ही है। पहले देखो मोबाइल मार्केट को खत्म किया, क्या क्या बताऊं, सबसे पहले मोबाइल स्टोर बहुत थे, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन है, बहुत सारी वेबसाइटों ने आने का रेट चेक कम दिया, तो मेरे जैसे लोगों की आदत पड़ गई, मैं वहां से लेना चालू किया, हमारे जैसे लोग डूब गए, बंद किए और कुछ और धंधे में शिफ्ट हो गए या जॉब करने चालू हो गए, पहले वो MRP पे बेचते, आपको लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, जो भी इंडियन कंपनी है उसे लेने की कोशिश, आपको मालूम है जेब्रोनिक, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, क्यूडूबी, इंटर, बहुत सारी कंपनियां डूबी, मतलब वो लेवल पे नहीं पहुंच पाई, एक यूनिकॉर्न नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई मालूम है, सपोर्ट हमारे जैसे हम लोग है ना, वीवो लो, ओप्पो लो, ये लो, वो लोग कभी अपनी ब्रांड को सपोर्ट ही नहीं किया, उनके पास पैसा आएगा ना तो वो लोग यहाँ पे कंपनी लेके आएंगे, अगर नहीं आएगा तो करेंगे क्या, मेरे को नहीं है, मैं बोलता हूँ आसू जी ये अपनी जो ब्रांड है ताइवान की है, सबसे बेस्ट है, आपने एक भी ब्रांड मेरे को बता दो मदरबोर्ड के अंदर के इंडियन ब्रांड है, एक HCL करके ब्रांड था, हम लोगों ने वो अच्छी क्वालिटी बना दी, सस्ते सस्ते के चक्कर में उसको बंद करवा दिया, अभी भी टाइम है,
अगर हमारा भविष्य हमको सुधारना है ना तो इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो, कुछ भी हो इंडियन ब्रांड को ही सपोर्ट करो। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो भाई तुम्हारे ऐसा फिर तुम्हारे ऊपर है, मैं तो एक छोटा यूजर हूँ, मुझसे कोई फर्क ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा पबजी सारे गेम इंडिया के बाहर से बनते, अपना डेटा बाहर जाता है, हर एक चीज इंडिया में क्यों नहीं बनता? बनाने वाले हमें, डेवलपर हमें, सब कुछ हमें, क्यों नहीं हो रहा है हमारे घर? हम अपनी खुद की इंडियन ऐप होती है उसको भी प्रमोट ही नहीं करते, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर उसकी माँ बहन एक कर लेते, इसमें बग ढूंढ लेते। अरे भाई मैंने शुरुआत की ना, क्यों बग ढूंढ रहे हो? मैं ये वीडियो बनाऊंगा ना सही, अगर चल गई तो मेरे भी बग ढूंढ ले, इसने ये बोला उसने ये बोला। अरे भाई तू है ना अपने देश के लिए कर, देश की चीज खराब होती है ना। लावा एक कंपनी थी तो उसने इंडिया में मोबाइल लाया, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है तो उसने उस फोन की बैंड बजा दी। क्यों बैंड बजाए? उसको स्पॉन्सरशिप मिलता है, उसको पैसा मिलता है कि इस ब्रांड को ऊपर आने नहीं देना है। मैं आपको एक ही बोलता हूँ, अपनी इंडियन ब्रांड कैसी भी है उसको प्रमोट करो और खरीदो। अगर उनके पास पैसा आएगा तो और नई चीज लेके आएगी, उसके पास पैसा नहीं आएगा हमेशा ऐसे ही रहेंगे दूसरों के ऊपर निर्भर। आपको मालूम है कोरोना के टाइम में हम मास्क भी चाइना से मंगवाए थे, हमारे ऊपर फटी पड़ी ना, सब कुछ मैन्युफैक्चर इधर हो गया। तो हर एक चीज हम कर सकते हैं, आने वाला टाइम में सब कुछ इंडियन होना है, बस मेरी वही ड्रीम है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यार, मतलब आप ही लोग ऐसे करोगे ना, मतलब आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे अपनी ब्रांड को। मैं तो एक ही बोलता हूँ, अगर रोड पे भी कोई बंदा बेचता है ना इंडियन ब्रांड या कुछ भी है, सपोर्ट करो ऑनलाइन और ऑफलाइन का। आपको एक चीज समझाता हूँ, आज जो वीडियो देख रहा हूँ किसी का किसी के चीज का ही बिजनेस ही होगा, सब लोग तो जॉब इतनी मिलती नहीं, मेरे जैसा फेलियर को तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है चला रहा इधर, इनकी कंप्यूटर की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान है, इसकी शूज की दुकान है, उसकी वो। तो पहले क्या पैसा रोटेशन होता था तो लोगों के पास पैसा आता था, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के अंदर एक जस्ट नॉर्मल सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से शॉर्ट में ही समझाता हूँ। सबका अलग अलग बिजनेस है, सब ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है बट ऑफलाइन है, और किसी एक दो कंपनी का डोमेन नहीं है उसके ऊपर, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ओपन सोर्स है, ओपन मार्केट है, UNDC जैसा भी गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो क्या होता था पहले, मेरे पास पैसे रेवेन्यू जनरेट होता था, अगर ज्यादा पैसा होता मैं यहाँ पे एक फ्लैट लेता था बेंगलोर में आके, मैं यहाँ पे फ्लैट लेता था, वो पैसा उस बिल्डिंग वाले को जाता था, उस सीमेंट कंपनी को जाता था, उसका शेयर मार्केट में बढ़ता था, शेयर मार्केट वाला पैसा उधर लगाता था तो उसके पास भी रेवेन्यू होता था, सीमेंट कंपनी को पैसा जाता था, वहां पे वर्कर जो काम करते हैं ना उनके पास भी पैसा जाता, उनके पास पैसा जाता था, वो एक मोबाइल लेते, मोबाइल वाले के पास भी पैसा जाता था, और उसके पास और पैसा आता था तो वो कंप्यूटर लेते थे, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते थे, तो वो स्कूल वाले के सबके पास पैसा रोटेट होता था। अभी भाई है ना दो तीन कंपनियों के पास ही है पूरा डोमेन, कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, ऐसे ही चलता रहा ना हम धंधा बंद करके चले जाएंगे। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि मतलब जो जितना मैं बताता हूँ इतना बता पाए, तो आप जितना भी आपको बताया कमेंट में बताओ, कुछ बुरा लगा था उसके लिए सॉरी। ठीक है तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ठीक है ओमाई का चैनल यार उसको भी सपोर्ट कर देना, थैंक यू, इसी तरीके की वीडियो प्लीज सपोर्ट मी, तो बाय बाय यार।